अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हम लोग आ रहे हैं बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग। आ जाओ ना मम्मा, देखो ईद की शॉपिंग करने के लिए बिलिंगटन। तो ये हरीशा है, मुसव्वर है जी। ओके आज चलो। मिकाई यहाँ से कपड़े लेगा। ओके नहीं ये नहीं लेना। रेहान खुला हुआ है ना, वो लास्ट वाला है ना, है देखा तुमने? So guys, ये मेरे रीशा को मेहंदी लगाई है। तो गाइस अभी 12 बज रहे हैं, मैं थक गई। पता नहीं कैसी लगी, माशाल्लाह वो करवात। और इनकी दादू को भी लगाई है मैंने। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब लोग? सबके ईद के व्लॉग मैंने देखे, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मेरे से तो बिल्कुल नहीं बन पाया ईद का व्लॉग। तो चले जी, यहाँ मैंने ना थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे। नमाज़ वगैरह हम पढ़ आए थे और उससे पहले हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस, क्योंकि हमारी जो थी वो थी मंडे ट्यूसडे की आई थिंक, और मंडे की थी और हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना था। उनका मस्त था जाना, और हमारी ईद बिना उनके बिल्कुल ही ऐसे बोर गुजरी थी। बच्चे भी बिल्कुल खुश नहीं थे। एंड इसके अलावा नमाज के बाद हम लोग जब घर आए तो मिकाइल को हो गया बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, बिकॉज़ मिकाइल ने पापा को किया बहुत ज़्यादा मिस इन मस्जिद। और इसको था कि हमेशा पापा मस्जिद में होते हैं, तो आज पापा नहीं हैं। तो बस ऐसी ही हमारी ईद गुजर गई। अमेरिका की ईदें ऐसी ही हैं, इन कंट्रीज़ में कुछ इतना मज़ा नहीं है ईदों का। तो खैर वही, मतलब ये तो एक फ़र्ज़ है, सुन्नत है जो पूरी करनी है। नमाज़ भी पढ़ी थी, मीठा भी बनाया था, वो भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था ना कि पता नहीं अब मेरा व्लॉग बनाने में ना वो पावर नहीं आ रही, मतलब जोश नहीं आ रहा। तो बस कब किस वक्त वीडियो बना लेती हूँ पता भी नहीं चलता, और जो बनाने वाली होती है वो बनाती नहीं हूँ। एनीवेज यहाँ मैं आ गई थी बाहर, और मैंने क्या लेना था यहाँ पे, मैंने बबल टी का पता करना था। बबल टी बच्चे गए थे पीनी है शाम में, हस्बैंड घर आ गए थे, कुछ पिक्चर्स ली थी उनके साथ, बस वीडियो नहीं बना सकी। लास्ट में वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और हमारा ईद का डिनर था जी रात को, हस्बैंड और गए थे, कहे थे आज खाना बाहर से खिलाऊँगा। तो ये चिकन टिक्का राइस और बीफ और चिकन, साथ में कनाफा शोरमा, ये सब बहुत अच्छा हमारा यहाँ से मिलता है, इस टोटली हलाल। तो बस इसी के साथ हमारा फर्स्ट डे ख़त्म हो गया था। सेकेंड डे में कुछ भी नहीं किया था, नॉर्मल रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बच्चों ने स्कूल भी जाना था। The next day. बच्चों का स्कूल में लास्ट डे था, यहाँ बच्चे स्कूल से आके थे। रेहान ये स्केच बना के लाया था, और मैं इसको बोल रही थी बेटा ये आप इतने तो प्रोफेशनल हो नहीं आर्ट में कि आप एक पिक्चर बना लो, बड़ा इसके नीचे इसने स्केच रखा था, उस पर ट्रेस किया था इसने। तो चले जी, आज से होगी इनकी एक्चुअली ईद आज स्टार्ट हुई है। मुसव्वर मियाँ जब स्कूल से घर आए थे, और मैंने कहा मुसव्वर मियाँ आज से बस मैं और तुम, अल्लाह ही है बचाए हम दोनों को। यह बच्चा हमारे घर में बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा ही शरारती है, और सितंबर तक मैंने इनको हैंडल करना है। उसके बाद यह सेकंड डे तो था ही था ईद का, जैसे सबको पता है जी 3 दिन होते हैं। तो हम चले गए अम्मी की तरफ, और यकीन करें खाना खाने के बाद जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ अम्मी मैंने वीडियो नहीं बनाई। बोला ना जैसे, मतलब अभी मुझे फैमिली भी इतना वो पीछे से कहते ना सपोर्ट नहीं करती, अब तो बेटी भी कहने लगी मामा छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा जब मैं स्कॉटलैंड कोविड में थी तब बहुत मज़े से ये लोग करते थे, हस्बैंड भी मना करते हैं क्या हर वक्त वीडियो वीडियो। तो ये लास्ट की जो मैंने थी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दी, मेरा था ब्लैक ड्रेस और पहना मैंने कुछ और था, पर पहन मैंने कुछ और लिया। हमारा मिकाइल बिल्कुल खुश नहीं था, इसने बिल्कुल अच्छे से पिक्चर नहीं ली। और ये मेरे बैग में थी, देख लो जी मुझे बस ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, दिल करे तो कर दीजिएगा, नहीं करेगा तो खैर है कोई बात नहीं जी। और ये है जी रिशा का ड्रेस, इनके पापा जस्ट अभी ऑफिस से आए थे, और मैंने कहा क्विकली से हमारे से पिक्चर्स ले लो। हमारे अमेरिका में ना एक नया जहाज़ लॉन्च किया गया है, डिक्स वालों ने किया है, हाउस ऑफ स्पोर्ट डिक्स। चले जी, जिनको पता है अमेरिका में डिक्स स्टोर है, ये अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, मार्केट को अपना बता रहे हैं कि हमारा नया खुला है यहाँ यहाँ। तो मेरे घर के बाहर भी इसका पूरा एक ना वेयर हाउस खुला है डिक्स का। तो खैर ये है जी आज की वीडियो, बहुत ही अच्छा वेदर था, और बस
मैंने जहाज़ को कैच कर लिया, बलून ले लो, एयर बलून ले लो, जहाज़ कुछ भी समझ लो, बट अमेरिका ने लॉन्च कर दिया। बाय।